गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन फिर से उसी टॉपिक पर बात करते हैं। कल अपन संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके जो अंग है उनका प्रारंभिक परिचय प्राप्त किया था। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम ये जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था कायम करना, क्योंकि विश्व उससे पूर्व दो भयानक विश्व युद्ध देख चुका था और उसके पश्चात इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी कि और भी कोई ऐसी तानाशाही शक्तियाँ विश्व में लोकतंत्र का हरण करने के लिए लालायित हो सकती है। अगर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित रूप से वो फिर से कोई भयानक और तृतीय विश्व युद्ध को जन्म दे सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही कुछ जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने मिलकर शांति स्थापना हेतु प्रयास किए थे और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ 51 सदस्यों के रूप में अस्तित्व में आया था। अपन यहाँ तक बात कर चुके थे, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले बात करेंगे अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के द्वारा रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव इसको महासभा की जो साधारण सभा की बैठक होती है उसमें प्रस्तुत करता है और उसके पश्चात उसका जब अनुमोदन हो जाता है तो अनुमोदन के उपरांत उसको लागू किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र कितना अंशदान करेगा इसका निर्धारण एक महासभा की एक समिति है जिसको कहा जाता है द कमेटी ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन, उस कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि मुख्य रूप से मैं ये बता दूँ आपको कि जो कुछ खास देश है वो इसमें कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। अमेरिका वर्तमान में 25% का अंशदान कर रहा है, जापान 20%, ब्रिटेन लगभग 6%, कनाडा लगभग 3%, रूस लगभग 1%, फ्रांस करीबन 6%, इटली करीबन 5% और भारत लगभग 1% अंशदान करता है। संघ की सदस्यता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता महासभा के द्वारा दी जाती है, लेकिन महासभा ये कार्य सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। सुरक्षा परिषद अपनी बैठक में जो सदस्यता चाहने के इच्छुक राष्ट्र होते हैं उनकी सदस्यता पर उनके प्रार्थना पत्र पर विचार करते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं तो ये माना जाता है कि 15 में से 9 सदस्य किसी राष्ट्र की सदस्यता के पक्ष में होने चाहिए और उन 9 में भी ये कहा जाता है कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो तो आवश्यक रूप से उसके पक्ष में हो। यदि कोई भी एक स्थायी सदस्य उसके पक्ष में नहीं होता तो हम ये मानते हैं कि उसको एक नकारात्मक मत दिया है, यानी कि वीटो का प्रयोग किया, और ऐसी स्थिति में संबंधित राष्ट्र सदस्य नहीं बन सकता। जहाँ तक सदस्यों के निलंबन की बात है तो चार्टर की धारा 5 और 6 में कहा गया है कि अगर कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन करे तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किसी भी राज्य को सदस्यता से वंचित किया जा सकता है, हम यूं कहें कि सदस्यता से निलंबन किया जा सकता है। अब तक जो हमारे सामने उदाहरण है उसमें 26 अक्टूबर 1971 को राष्ट्रवादी चीन, जिसे आज हम फार्मोसा या ताइवान कहते हैं, उसको सबसे पहली बार सदस्यता से निलंबित किया गया था सन 1971 में, और उसके पश्चात 1992 में एक ऐसा मौका आया था 22 सितंबर को जब यूगोस्लाविया को संघ की सदस्यता से निलंबित किया गया था। हालांकि यूगोस्लाविया को 1992 में निलंबित किया गया था लेकिन 2 नवंबर 2000 को पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको सदस्यता प्रदान कर दी। हम यूँ कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से निलंबित होने वाला पहला राज्य ताइवान था और दूसरा राज्य यूगोस्लाविया, लेकिन यूगोस्लाविया को वापस शामिल कर लिया गया। एक सवाल यह आता है कि क्या कोई राज्य स्वयं अपनी इच्छा से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का त्याग कर सकता है? तो इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, जो संविधान है, वो कुछ भी नहीं कहता और आज तक इस बारे में कोई निर्णय भी इसमें नहीं आया है। हाँ, एक एग्जाम्पल जरूर आया था, सितंबर 1965 में इंडोनेशिया ने संघ की सदस्यता का त्याग कर दिया था, लेकिन 1966 में वो वापस संघ में शामिल हो गया था। इसका मतलब ये निकलता है
कि यदि कोई राज्य चाहे तो स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर सकता है। मुख्य बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में। जिस मेन उद्देश्य को या ध्येय को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना की गई थी वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखना। आज भी हम ये जानते हैं ये इसका मुख्य कार्य है, इसका मौलिक कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्य महासभा के माध्यम से और जो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व में वैश्विक शांति व्यवस्था कायम रखने का प्रयास करते हैं। जहाँ कहीं पर भी सदस्य इसको सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, शांति को खतरा उत्पन्न होता है, वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी कार्रवाई करता है, करता रहा है। सामने कई एग्जाम्पल भी आया है, यानी कि वैश्विक शांति और व्यवस्था को कायम रखना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद जिस रूप में भी जैसे भी उत्पन्न होते हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कई तरीके भी अपनाता है। जैसे संबंधित राज्यों को वार्ता के लिए प्रेरित करता है, वार्ता के लिए टेबल उपलब्ध करवाता है, इसके अलावा उनको पत्राचार के लिए भी प्रेरित करता है, मध्यस्थता करने की भी कोशिश करता है। और यदि ये सारे के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं तब एक अंतिम हथियार के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एक संस्था सुरक्षा परिषद अंतिम शक्ति के रूप में शांति सेना का प्रयोग या हम यूँ कहेंगे शस्त्र कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण भी हमारे सामने आए। और तीसरा जो उद्देश्य उस समय तत्कालीन समय था वो राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सुरक्षित रखना और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति प्रदान करना। हम यूँ कहेंगे इस उद्देश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण कामयाब रहा है। इसका कारण यह है कि आज विश्व में उपनिवेशवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तब विश्व में उपनिवेशवाद एक बहुत बड़ी और विकट समस्या के रूप में उपस्थित था, लेकिन धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जितने भी राष्ट्र मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में किसी न किसी शक्ति के उपनिवेश बने हुए थे वो आज स्वतंत्र हो चुके हैं और कहीं पर भी उपनिवेशवाद कायम नहीं है। यानी कि इस उद्देश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से सफल रहा है। एक और उद्देश्य है जिसमें विश्व में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में देशों की भागीदारी बढ़ाना और उनका सहयोग करना। बहुत से ऐसे कार्यक्रम, बहुत से ऐसी योजनाएं और विश्व के अन्य देशों में ऐसे कार्य चल रहे हैं जिनके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ इस उद्देश्य के लिए कार्य करता रहा है। कई ऐसी संस्थाएं भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो इस उद्देश्य के लिए ही स्थापित की गई, जैसे हम कह सकते हैं यूनेस्को है, यूनिसेफ है और भी बहुत सारी संस्थाएं, उनका उद्देश्य यही है कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लें। एक इसका जो अंग है आर्थिक सामाजिक परिषद, उसकी स्थापना भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई। सन 1965 में बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने दो उद्देश्य घोषित किया था, एक था निशस्त्रीकरण और एक था नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। उस समय जो विश्व था वो लगातार नए नए और खतरनाक विध्वंसक हथियारों का प्रयोग कर रहा था, प्रयोग नहीं मैं यूँ कहूँगा कि परीक्षण कर रहा था। न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, इस प्रकार के नए नए हथियार ईजाद किए जा रहे थे। तो उस समय इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि विश्व को इन सब हथियारों से मुक्ति दिलाते हुए निशस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास किए, जैसे PTBT नामक संधि, CTBT नामक संधि, ये संधियां लाने का उद्देश्य यही था विश्व में जो खतरनाक और विध्वंसक हथियार है उनको पूर्णतया समाप्त किया जा सके, इसके लिए इन संधियों का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही रखा गया था। एक था नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, यानी कि विश्व में जो अमीरी और गरीबी की खाई बनी हुई है और मुख्य रूप से हम ये मानकर चलते हैं कि दो ध्रुव है, उत्तर कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है। उत्तर के ध्रुव जो है वो अमीर राष्ट्र हैं या अमीर देश हैं, दक्षिण में बहुत गरीब देश है, इनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। ये खाई आर्थिक शक्ति की कह लीजिए, तकनीकी शक्ति की कह लीजिए, औद्योगिक शक्ति की कह लीजिए, इस खाई को पाटना, इस खाई को समाप्त करना, इन दोनों को करीब लाना, गरीब देशों की समस्याओं का निवारण करना, समृद्ध देशों को इन देशों की समस्याओं के निवारण के लिए तैयार करना, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये उद्देश्य घोषित किया गया था। इसके प्रयास अभी भी चल रहे हैं। उत्तर दक्षिण सहयोग, दक्षिण दक्षिण सहयोग इसकी परिणति है, जिसके लिए विभिन्न मंच भी स्थापित किए गए ताकि इन समस्याओं का निवारण किया जा सके।
एक उद्देश्य पश्चात जो बात आती है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी तब इसके कुछ सिद्धांत माने गए थे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सभी देशों की जो सर्वोच्च सत्ता उसका सम्मान करेगा। इसका मतलब प्रत्येक देश चूंकि संप्रभु है, इसे संघ किसी भी देश की संप्रभुता में या उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत माना और प्रत्येक देश ये आग्रह भी किया गया कि वो इस प्रकार से अपनी व्यवस्थाएं कायम करे, इस प्रकार से अपने यहाँ पर सिस्टम डेवलप करे कि वो किसी भी देश की आंतरिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी या हस्तक्षेप ना करे। दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, जो उसका संविधान है, संविधान में जो बातें लिखी गई है, जो उसकी धाराएं हैं, उनका प्रत्येक देश ईमानदारी से पालन करे। हालांकि प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से देखें तो हम ये जानते हैं कि सभी देश इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ उनके मान लीजिए कि कुछ संप्रभुता संबंधी जो बातें हैं या उनके स्वयं के हित जो है वो आड़े आ जाते हैं, इसलिए कुछ समस्याएं तो अवश्य आती है। एक है प्रत्येक देश किसी भी देश के साथ उत्पन्न होने वाले झगड़ों का निपटारा जो है शांतिपूर्ण तरीकों से करेगा या शांतिपूर्ण तरीके अपनाएगा। हालांकि न केवल प्रत्येक देश बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस प्रकार का प्रयास करता रहा है। एक ये भी सिद्धांत माना गया, कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा, यानी चार्टर में जो बातें लिखी गई है उन बातों के अनुरूप ही वो अपने व्यवहार को लागू करेंगे और कहीं पर भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो चार्टर का उल्लंघन करने वाला हो। और बाकी जो सामान्य बातें हैं कि सबके संप्रभुता का सम्मान करना, पंचशील के सिद्धांतों का पालन करना आदि आदि, वो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है। तो दोस्तों आज इतना ही, इसको फिर अपन और आगे बढ़ाएंगे, इसी चैप्टर को और आगे शुरू करेंगे। धन्यवाद।